This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। नीति आयोग की 27 जुलाई को बैठक होनी है। इस बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के चीफ मोहन भागवत आज शाम दिल्ली पहुंच रहे हैं। भागवत अगले 6 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे। श्रीनगर जम्मू कश्मीर से अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का एक कुल जत्था रवाना हो गया है। हिमाचल में बादल फट गया है। बादल फटने के बाद सड़क पर मलबा आ गया है। मनाली लेह मार्ग पर बने सोलांग पुल पर मलबे के साथ बड़े पत्थर सड़क पर आके है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की रेस से हटने के बाद गुरुवार तड़के पहली बार देश को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार से दिल्ली के 3 दिन के दौरे पर रहेगी। इस दौरान वह 27 जून को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर टोक्यो में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका 4 देशों के संगठन क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए जापान जाएंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोर्स एयरलाइंस का विमान 9NAME CRJ-200 हादसे का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में 18 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 25 और 26 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी के संगठन मंत्रियों की बैठक बुलाई है, जिसमें लोकसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा भी होगी। आज से पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत हो रही है। भारतीय दल के 117 एथलीट 16 खेलों में 69 पदक स्पर्धाओं में भाग लेंगे। पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर के पास आज तक की अग्रिम जमानत है। उसके बाद उन्हें दोबारा पुलिस और कोर्ट के सामने हाजिर होना है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर राज्य सरकारों के द्वारा खनिज पर रॉयल्टी से अधिक टैक्स लगाने का विरोध किया है। राज ठाकरे ने मुंबई में आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें राज ठाकरे अपनी रणनीति तय करेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। लगभग 15 सोसाइटी में बारिश का पानी घुस गया है। वहीं करंट से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने धार्मिक भावना आहत करने को लेकर 2 लोगों के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज किया है। वहीं कोर्ट ने कहा कि लोग अपने धर्म के प्रति पहले की तुलना में संवेदनशील हो गए हैं। मायूती गठबंधन में मुख्यमंत्री पद के साथ साथ सीटों के बंटवारे को लेकर भी पेच फंसता दिख रहा है। एनसीपी चीफ अजीत पवार ने 80 से 90 सीटों पर दावा किया है। भारतीय शेयर बाजार के लिए ये हफ्ता गिरावट वाला साबित हो रहा है और लगातार 3rd दिन शेयर बाजार की ओपनिंग गिरावट के साथ हुई है। जियो सिनेमा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर विशाल पांडे की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें विशाल का एविक्शन मेंशन किया गया है। हालांकि बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के मेकर्स ने बाद में पोस्ट डिलीट कर दिया। बिग बॉस ओटीटी को खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हाल ही में शो में अरमान मलिक और रणवीर शौरी को बात करते सुना गया कि उनको ट्रॉफी से ज्यादा कैश पैसों की जरूरत है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।